और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा की पूरी तैयारी है और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पर पहुंचे। पर निकल रहे हैं, एक तस्वीर रांची से अब आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर पुरी की है, उड़ीसा में पुरी, जहां से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और पूरे विश्व भर में इसकी जो महिमा है वो देखने को मिलती है और लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस समारोह का हिस्सा बनी हुई है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुरी की, जहां पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। ये श्रद्धा सुमन भाविभोर कर देने वाली तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री राज्यपाल सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रांची में देखने को मिल रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज जो आयोजन है वो किया गया है। मौसीबाड़ी आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के जरिए जाएंगे और आज का दिन होता है काफ़ी शुभ और जो लोग होते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को खींचते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को खींचने से उन्हें भगवान की कृपा उन पर रहती है। और ये तस्वीर राजधानी पटना से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त झूमते हुए इस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कौतूहल हैं
और बहुत ही उत्साह जोश के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पटना के इस्कॉन मंदिर से निकाली गई है। महिलाएं भी इस कतार में हैं। आगे आगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को खींचते हुए महिला श्रद्धालु झूमती हुई नजर आ रही हैं और श्रद्धा से भरपूर ये जो तस्वीरें हैं राजधानी पटना से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज सुबह से ही जो तैयारी है वो देखी जा रही थी, जिसका शुभारंभ बिहार के कई गणमान्य मंत्रियों ने भी किया। उसके बाद विधिवत इस जगन्नाथ रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो कर दी गई है और इस्कॉन मंदिर से ये रथ यात्रा निकलने के साथ ही पटना के इनकम टैक्स गोलंबर बेली रोड होते हुए सीधे यहाँ पर पटना के डाकबंगला चौराहा तक भी जाती है, भ्रमण करती है, नगर भ्रमण किया जाता है इस दौरान भगवान जगन्नाथ का, और उसके बाद पुनः वापसी होती है इस्कॉन मंदिर के पास।